बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ व्लॉग विद परिनास। व्यूज, टुडेज वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, सो कीप अटेंशन टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्यूज, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ प्रिंट्स के नेम। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आपको जो प्रिंट है वो पसंद आ रहे होते हैं, बट आपको उनके नाम नहीं पता होते। तो ऐसे में ये वीडियो मैंने एक छोटी सी बनाई है जिसमें कुछ जो प्रिंट्स लेकर मैं उसके नेम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस प्रिंट के बारे में तो आपको मैक्सिमम पता ही होगा, ज़ेब्रा प्रिंट है, बहुत ही यूनिक सा प्रिंट है। मैक्सिमम हर एज में, हर जो दौर में है, इसको पहना जाता रहा है और बड़ा पसंद किया जाता रहा है। तो नेक्स्ट प्रिंट आप देख रही हैं, ये स्ट्रिप्स में है। स्ट्रिप्स लाइनिंग मीन टू से आप ओरिजेंटल वर्टिकल लाइंस जो हैं, इस प्रिंट का नाम जो है वो स्ट्रिप्स प्रिंट है। नेक्स्ट प्रिंट देख रही हैं, पोलका डॉट में डॉट्स हैं, ऑल ओवर प्रिंट पे डॉट हैं और सेम सीक्वेंस के साथ, सेम डिस्टेंस के साथ। कुछ डॉट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ज़्यादा कैप के साथ हैं, कुछ कम कैप्स के साथ हैं और डिफरेंट कलर्स में, और हर कलर में आपको ये अवेल हो जाते हैं। बड़ा ही प्यारा सा इसका एक लुक रहता है। तो नेक्स्ट है जी ओजी प्रिंट। ओजी प्रिंट जो है वो काफ़ी मज़ेदार सा प्रिंट है जी। इसमें जो इसकी शेप आप देख रही हैं वो लाइक अ डायमंड और जस्ट लाइक अ अनियन शेप, तो बड़ा ही अच्छा सा ये प्रिंट है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट है जी पेस्ली प्रिंट। पेस्ली प्रिंट जो है ये आपको ये शेप्स जो नज़र आ रही हैं इसकी, समटाइम मेहंदी डिज़ाइन में भी इसकी शेप होती हैं, इसको पेस्ली प्रिंट के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा ही पसंद किया जाने वाला प्रिंट है और ये किसी स्विट्ज़रलैंड के किसी कस्बे से इसका नाम लिया गया जहाँ पे ये प्रिंट फर्स्ट टाइम बनाया गया था, तो इस वजह से इसको पेस्ली प्रिंट कहा जाता है। और ये हर कलर में अवेल होता है जी जनाब। तो नेक्स्ट प्रिंट जो है ये है इकॉर्ड प्रिंट। इकॉर्ड प्रिंट में ऐसा है कि ज्योमेट्रिक पैटर्न से थोड़ी बहुत इसकी रिजेम्बलेंस है और इसमें मैक्सिमम इस प्रिंट में ऐसा होता है कि इसके जो माउंटेन्स टाइप इसकी शेप होती है और मुख्तलिफ डिस्टेंस के साथ अवेल होता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है और कहीं बहुत डिस्टेंस के साथ रहता है। नेक्स्ट आप देख रही हैं जो प्रिंट है ये ग्रीक की प्रिंट। ग्रीक की प्रिंट में ऐसा है कि इसमें जो है रेक्टेंगल टाइप शेप्स होती हैं जो कि एक शेप जब स्टार्ट होती है तो एंडलेस शेप लास्ट तक इसका बॉर्डर में जाती है और ये डिज़ाइन जो है मैक्सिमम पर्दों में या किसी भी आप बेडशीट्स में देख ले तो ये बॉर्डर्स पर ख़ासतौर पर बना हुआ होता है जी। तो नेक्स्ट प्रिंट जो है ये है घिंगम प्रिंट। घिंगम प्रिंट में ऐसा है कि इसके साथ किसी भी जो कलर का कॉम्बिनेशन लेकर इसका वाइट बॉक्सेस के साथ ये ज़्यादातर यूज़ होता है और चेक प्रिंट से मुशाबियत रखता है। ज्योमेट्रिकल प्रिंट में ऐसा है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो ज्योमेट्रिक की जो शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, जो भी शेप्स हैं वो तमाम शेप्स जो हैं वो इस प्रिंट में यूज़ होती हैं और अनइवन टोन्स में इनको बनाया जाता है। किसी भी तरह से इसको प्रिंट आउट कर दिया जाता है, लाइक इकॉर्ड प्रिंट है ये। नेक्स्ट प्रिंट जो आप देख रही हैं फ्लोरल प्रिंट। फ्लोरल प्रिंट में नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसके जो प्रिंट में फ्लावर्स होंगे, तो फ्लावर्स की जो हैं वो मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। ऑल ओवर प्रिंट पे फ्लावर्स ही फ्लावर होते हैं, कुछ छोटे, बड़े या इस टाइप के मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशनस के साथ। नेक्स्ट प्रिंट में आप देख रही हैं चेक प्रिंट। गिंगम प्रिंट से मुशाबत रखते हुए एक विसाद की तरह का ये प्रिंट है। तो घिंगम प्रिंट में और इसमें कुछ कम ही फ़र्क है, जस्ट इसमें ये है कि इसके जो मिड के बॉक्सेस होते हैं वाइट कॉम्बिनेशन के साथ बड़े प्यारे लगते हैं जी। तो लास्ट में हम देखते हैं बास्केट वीप प्रिंट। वीप प्रिंट जो है वो एक बास्केट की तरह का ही प्रिंट है, जैसे बास्केट को बुना जाता है बिल्कुल इसी तरह से इस प्रिंट में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इसके ताने बानों को बुना हुआ है। व्यूज़, होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी जी। तो व्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।